लेट मी से वन थिंग क्लियरली, ना तो मुझे सहर खान से इशू है, ना आगा अली से और ना ही असफर रहमान से। मुझे अगर इशू है तो हमारे जो तीन मेजर चैनल्स हैं, इनकी जो कंटेंट टीम है, जो इस तरह के स्क्रिप्ट्स लेकर आती हैं, लिखवाती हैं, उनसे इशू है। आप किस तरह जब खानी बन गया था, उसके बाद चलो दीवानगी बन गया, फिर आप किस तरह इश्क है, कैसी तेरी खुदगर्जी, ए मुश्तखाक, और अब भी जो ये ड्रामा है ज़ख्म, इसको आप किस तरह प्रूव कर सकते हैं। अभी जो सेकेंड टीज़र आया ज़ख्म का, पहले टीज़र का रात को मैंने रिव्यू कर दिया था और मैंने यही कहा था कि ये ड्रामा दीवानगी, इश्क है, कैसी तेरी खुदगर्जी और ए मुश्तखाक खानी, इनकी कॉपी लग रहा है। मतलब आपने दीवानगी में देखा होगा कि उसे थप्पड़ पड़ता है, फिर वो थप्पड़ का बदला लेता है, उसके पीछे पड़ जाता है। आप कब तक नौजवान लोगों को ये सिखाओगे कि एक टॉक्सिक हीरो होना, मतलब लड़की के नौ के बाद भी उसके पीछे पड़ जाना, उसको मारना, उसके ख़ानदान वालों को तंग करना, फैमिली को हरेस करना, आप कब तक इसको रोमांटिसाइज करोगे, कब तक इन लोगों को आप हीरो बनाकर दिखाओगे कि ये हीरो ऐसे होते हैं। आप ये चीज़ें मतलब मुआशरे में पेश कर रहे हो और एंड में इनकी शादी करवा देते हैं, लड़की को प्यार हो जाता है, ये कैसी एंडिंग है? मतलब लड़की के कोई भी आज लड़का पीछे लग जाता है। इमेजिन करें, कोई भी ये वीडियो देख रहा है, इवन के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर के साथ ऐसा होता है और एंड में अच्छी एंडिंग दिखा देते हैं, इतना कुछ सफ़र करने के बाद मतलब अच्छी एंडिंग कर दी कि इसका एंड अच्छा ही होता है। आप या तो ये करो ना, जैसे आपने खानी में किया था, मतलब थोड़ा एंड उसे मतलब दरबार पे बिठा दिया था, उसे मार दो, उसका अंजाम बुरा करो, ताकि लोग सीखें कि ऐसा करेंगे तो अंजाम ये होगा। अभी सेकंड टीज़र में कुछ भी नहीं था, वो उसे थप्पड़ मारती है, वो उसके पीछे पड़ जाता है, बदला लेता है, अमीर है, स्पॉइल्ड ब्रेट है, बिगड़ा हुआ लड़का, ये हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। खुदारा अब दीवानगी सीरीज़ को बंद कर दो, ये हम और देखना नहीं चाहते। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर अभी काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ चुके होंगे जिसमें लोगों ने यही कहा है कि हम अब ये नहीं देखना चाहते, ये ड्रामा दीवानगी कॉपी लग रहा है, इश्क की कॉपी लग रहा है, कैसी तेरी खुदगर्जी और खानी इनकी कॉपी लग रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा और उल्टा मैं इसको क्रिटिसाइज करूंगा फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट, कि बेहतरी लाई जाए, ऐसी चीजें मत करो। मैं पहले कह रहा हूं, मुझे इसकी स्टारकास्ट से इशू नहीं है, मुझे अगर इशू है तो चैनल से, कंटेंट टीम से, कि वो ऐसी स्क्रिप्ट को क्यों अप्रूव करते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट को नेक्स्ट अप्रूव ना करें, या तो करना है तो इसे किसी और तरह एग्जीक्यूट करें। एंड पे इसका मतलब किरदार का जो एंड है वो आप नेगेटिव दिखाएं, उसको मरता दिखाएं, या उसे रिपेंट करता पछताता दिखाएं, या ऐसा कुछ भी दिखाएं, दोनों को प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है और एंड हो जाता है, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। मुझे ज़ख्म का बिल्कुल कोई टीज़र अच्छा नहीं लगा और मैं इस ड्रामे को नहीं देखने वाला। आपको भी कहूँगा कि आप इसे बॉयकॉट करें, सब मसाले के लिए इस ड्रामे को ना देखें, इससे अच्छा कुछ भी और देख लें, इवन के इंडियन कॉन्टेंट देख लें जो कि नेटफ्लिक्स या कहीं भी आता है, ड्रामा से उनके भी बकवास होते हैं, लेकिन आप कुछ भी और देख लें, इसे मत देखिएगा। तो जहाँ इतने लोग यही कह रहे हैं कि ये ड्रामा कॉपी है, वही चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है, तो बाकी अगर आप में से दो तीन लोग आके गालियाँ देते हैं तो मैटर नहीं करता। जहाँ पर 98% लोग यही कह रहे हैं, तो 2% को भी अपनी राय के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपकी सिस्टर के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा, तो मुझे अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी स्क्रिप्ट्स को मज़ीद अप्रूव करना चाहिए या नहीं, और ऐसे ड्रामास बनने चाहिए या नहीं, या फिर कुछ और नया, जैसे सिन्फ़े आन है, बादशाह बेगम है, ऐसे कई ड्रामास हैं जिनके मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लॉट है, उनको लेकर आगे आने चाहिए ऐसे ड्रामास को, ना कि इन जैसे ड्रामास को। तो अब दीवानगी सीरीज़ पे फुल स्टॉप लगे और बस ख़त्म करें, अब हमें ये मज़ीद ड्रामास नहीं चाहिए। तो मुझे अपनी राय के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ गंदा कमेंट करने से पहले सोचिएगा कि अगर ऐसा ही जो मतलब अभी आगा अली कर रहे हैं आपकी सिस्टर के साथ हो, या आपके किसी अपने के साथ हो, तो कैसा लगेगा आपको। जो अभी दानिश तैमूर कैसी तेरी खुदगर्जी में कर रहा है, वो भी सोचिएगा। तो वीडियो लंबी और ऐसे यहीं पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो में, बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।